हेलो एवरीवन, मैं सर पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, जिनके लगातार मैसेजेस आए जा रहे हैं कि इस बार जो स्टेट के राउंड वन की काउंसलिंग आपकी पहले हो रही है ऑल इंडिया के राउंड वन की काउंसलिंग से, तो इससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं चले जाएगी? बॉर्डर लाइन पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं, उनको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो इस सब चीज़ों का अपन बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर मैं वन वर्ड में बताऊँ आपको कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कट ऑफ एक्चुअली में जानी चाहिए थी सेम वही कट ऑफ जाएगी। इस वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके स्टेट राउंड की काउंसलिंग पहले हो रही है ऑल इंडिया राउंड फर्स्ट से, ठीक है? क्योंकि आपकी ये देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेट कोटा की कितनी सीटें हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी स्टेट रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार होगा क्या, स्टेट राउंड वन की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि स्टेट में कुछ बच्चे हर स्टेट के ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेजेस लेते हैं, जो टॉप 2000 में होते हैं, टॉप 3000 में होते हैं, क्योंकि उनको अपनी ऑल इंडिया रैंक से ऑल इंडिया के अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, एम्स मिल रहा होता है, दिल्ली के कॉलेज मिल रहे होते हैं और जिपमर मिल रहा होता है, इस तरीके के कॉलेज उनको मिल रहे होते हैं, तो वो अपने स्टेट कोटा से नहीं लेते। तो इस बार क्या होगा, वो अपने स्टेट कोटा से ले लेंगे क्योंकि पहले स्टेट की काउंसलिंग है, पर जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन की काउंसलिंग होगी तो अपना स्टेट का कॉलेज छोड़ देंगे और ऑल इंडिया कोटा वन के थ्रू कॉलेज ले लेंगे। तो उनको जहाँ एक्चुअली में जाना है वो चले जाएंगे, क्योंकि फ्री एग्जिट होता है स्टेट राउंड वन के बाद में भी और ऑल इंडिया कोटा राउंड वन के बाद में भी। इसके बाद में आपका ऑल इंडिया राउंड टू आपका पहले होगा स्टेट राउंड टू से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेट राउंड वन फिर ऑल इंडिया राउंड वन फिर स्टेट टू और फिर ऑल इंडिया टू, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्टेट राउंड टू आपका बाद में इसलिए होगा ऑल इंडिया राउंड टू के बाद में, क्योंकि आपके स्टेट राउंड टू के लिए सीट्स कहाँ से आएंगी? जिन सीटों पर आपकी वैकेंट हो जाती है, जो स्टेट को डाइवर्ट हो जाती है ऑल इंडिया राउंड टू के बाद में, वही तो सीटें आपकी स्टेट के राउंड टू में आती हैं। तो काउंसलिंग पे कोई खास बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल वही काउंसलिंग रहेगी, आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मार्क्स अगर अच्छे हैं, इस रेंज में है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले, अभी कुछ 10-15 दिन पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये न्यूज़ आने से पहले कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो डेफिनेटली अभी भी आपको कॉलेज मिल के रहेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी और जगह पे आपको ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कॉलेज मिल के रहेगा। मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बता दिया है क्या फर्क पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं। बस इतना फर्क पड़ेगा कि आपको फर्स्ट राउंड के बाद में स्टेट के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाएगी, तो आपको पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद में भी आपके 3 राउंड है ना, ऑल इंडिया के 2 राउंड और स्टेट का 2nd राउंड, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके अलावा जो काउंसलिंग की जितने भी साइट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं हर स्टेट की, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट की, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो वो टेलीग्राम पे डाल दिया, आपको सिंपली किसी पे भी आप क्लिक करोगे आप सीधा उस साइट पे पहुंच जाओगे। तो चेक करते रहिएगा अपने स्टेट्स की साइट को, ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए, वो सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वन अकेडमी की फ्री लाइव क्लासेस में आ सकते हैं मेरे। अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहा हूँ, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप आओगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन अकेडमी पर जाके मेरे को फॉलो कर लेना है, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन तो कर ही लोगे तो आपको टेलीग्राम पे आपको शेड्यूल मिलता रहेगा किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक की क्लास है। इसके अलावा आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप आज या कल में ले लीजिए, क्योंकि कल से प्राइस आपके बढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, अभी आपके प्राइस थोड़े कम है, तो अभी आप ले लीजिए अनअकैडमी का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।